आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज लखनऊ में ऐलान करते हुए कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी पर बात करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। अगर मुख्यमंत्री मुझे जेल में डालते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी हत्या करवाई जाती है तो मेरा परिवार, मेरा संगठन चुनाव लड़ेगा। आजाद समाज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान आज किया है। उन्होंने कहा है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद खुद। सर, आप उत्तर प्रदेश गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गोरखपुर की जो स्थिति हमने बेहतर कर दी वो कोई नहीं कर सकता था। कानून व्यवस्था, एम्स, जो दिमागी बुखार से बच्चे वहां मरते थे, अब उनकी संख्या काफी कम हो गई है, धीरे धीरे और कम हो जाएगी। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जा रहे हैं? देखिये, मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज जो बर्बादी हुई उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सत्ता की चाबी उनके पास थी। वो चाहते तो परिवर्तन कर सकते थे, वो चाहते तो कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते थे, वो चाहते तो बेड की, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन उस समय जिस समय यहाँ कोरोना से लोग परेशान थे तो बिहार में जाके प्रचार कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो उस समय उनको ये पद जो है त्याग देना चाहिए था। और आप समझिए, जिस मुख्यमंत्री के आप आए, उनको तो ये नहीं पता कि उनके दफ्तर में कौन आदमी जो है बदल जाएगा और उनके दफ्तर में कौन आदमी जो है दिल्ली से आके उनके दफ्तर का मुख्य संचालक बन जाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, जिनको ये भी नहीं पता। वो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो वो जनता को बहकाने काम कर रहे हैं। जिनको पूरी फौज जो है उत्तर प्रदेश में उतारनी पड़े तो इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया। जो राशन दे के बहुजन समाज के लोगों का शासन करने का अधिकार छीनना चाहते हो, जनता जो है जो उनके राशन से लोगों के जमीर को खरीदना चाहते हैं, उनके वोट खरीदना चाहते हैं, जनता उनसे उनके खिलाफ और जनता उनको उनके खिलाफ वोट करके उनको हराने का। अभी आप बोल रहे थे कि अखिलेश यादव आपके बड़े भाई जैसे हैं। अखिलेश यादव के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने ये भी कहा कि बसपा सुप्रीमो का भी आप सम्मान बहुत करते हैं, तो अगर वो मुख्यमंत्री वाला कुछ चेहरा बनती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपके सपोर्ट से बन सकती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा कि ये तो अब जनता तय करेगी कि जरूरत किसको पड़ती है, लेकिन हमें विश्वास है अपनी मेहनत के जरिए कि आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा। हम मेहनत हम ये माने कि आप हो सकते हैं, ये हमारा गठबंधन तय करेगा, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने काम किया 5 साल में और हमारी मेहनत से जब हम अपने मुद्दों को, मैनिफेस्टो को लेकर डोर टू डोर कंपेनिंग करेंगे हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि अगर आज किसी के पास सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पास है, तो जनता का समर्थन हमें मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उसके अलावा ये बीजेपी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, डिजिटली मामला आजकल चल रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा कि फिजिकल बहुत ज्यादा नहीं होगा, सब कुछ डिजिटल करिए। आप लोग तो डिजिटल भी इतना स्ट्रांग अभी नहीं है, तो कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे आप? किसने कह दिया स्ट्रांग नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका कैमरा मेरे पास नहीं है, आपका माइक मेरे पास, तो डिजिटल हम लोग स्ट्रांग नहीं है? आप पता कराइए जितनी ताकत बीजेपी के पास है। हाँ, उनके पास पैसे हैं जो इसी जनता की जेब से चुराए, लूटे, हड़पे, धोखा दे दे के जनता को, जो भ्रष्टाचार कर करके अपनी जेबें भरी। जब जांच होगी ना, सब निकल जाएगा, और जनता चाहती है कि नेताओं की जांच हो, मेरी भी हो और उन सब लोगों की हो जिन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए और वो बड़े हो गए, जनता वहीं की वहीं रही। हमारी डिजिटल ताकत इतनी है कि अभी 3 दिन पहले ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी के लोग ट्रेंड करा रहे थे और हमसे 4 गुना ट्वीट पे पीछे थे। अभी तो शुरू हुआ है आंदोलन, आप देखते जाइए, ना हम पे सर कम है, ना हम पे लोग कम है, ना हमारे जो संकल्प कमजोर है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री जी ने गिरफ्तारी करवा दी चुनाव से पहले, तो जेल से चुनाव लड़ेंगे? एक क्रांतिकारी के लिए तो हथकड़ी और जेल जो है उसका घर होती है, तो मुख्यमंत्री करा दे गिरफ्तारी तो जेल से लड़ेंगे चुनाव? मैं अपने बात से पीछे नहीं हटूंगा, मुख्यमंत्री जो करना करें, वो मेरी हत्या भी करा देंगे तो मेरा परिवार इस काम को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, अगर मुख्यमंत्री मुझे जेल भी भिजवाते हैं तो मैं जेल से भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बेहाल हुई है, बदहाल हुई है, वो यूपी गवर्नमेंट की वजह से हुई है, मुख्यमंत्री की वजह से ही हुई है, और मैं इन स्थितियों को बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लड़ता रहूंगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। प्राइम टीवी की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।